आरके स्टूडियोज का फेमस लोगो आज भी लोगों को राज कपूर और नरगिस की हिट जोड़ी की याद दिलाता है। नरगिस और राज कपूर न केवल अच्छे कलाकार थे बल्कि आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे। जिन दिनों राज कपूर ने आरके स्टूडियो का निर्माण किया उस दौरान उनकी और नरगिस की जोड़ी इंडस्ट्री को 15 सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। तब उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म बरसात के एक सीन, जो कि बरसात फिल्म के पोस्टर पर भी बहुत सराहा गया था, को अपना लोगो बनाया। इसकी दो वजहें थीं। पहली वजह ये कि बरसात फिल्म का पोस्टर बहुत ही रोमांटिक था और एक सच्चे प्यार को दर्शाता था, और दूसरी वजह राज कपूर और नरगिस की करीबी दोस्ती थी। गौरतलब है कि इन दोनों सुपरस्टार का बरसात फिल्म के इस पोस्टर इमेज का जन्म एक बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग से इन्फ्लुएंस होकर किया गया था, जिसे एक फ्रेंच पेंटर रेने फ्रांको प्रिनेक ने बनाया था, जो कि अपने आप में लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी क्रुत्ज़ा सोनाटा से इंस्पायर्ड थी। और मजे की बात यह है कि टॉल्स्टॉय की शॉर्ट नॉवल असल में बिथोवन के वायलिन सोनाटा 9 से इंस्पायर्ड थी। असल में ये एक वायलिनिस्ट का पैशनेट प्यार एक लेडी पियानो प्लेयर के प्रति दिखाता है। उन दिनों ये इमेज बहुत ही पॉपुलर थी, जिसका इस्तेमाल एक पॉपुलर ब्रांड के परफ्यूम टैबू के कवर पर काफी दिनों तक किया गया था। ओरिजिनल बरसात फिल्म के पोस्टर में राज कपूर के हाथ में एक वायलिन है और दूसरे हाथ से उन्होंने नरगिस को पकड़ा है। राज कपूर साहब ने आर के स्टूडियो बैनर के लोगों में वायलिन को नहीं रखा था, बस उनकी और नरगिस की इमेज को लोगों में दर्शाया गया। आज 70 सालों के लंबे सफर के बाद आर के स्टूडियो नीलामी की कगार पर आ खड़ा है। भारतीय सिनेमा में अपनी अनूठी देन के लिए आर के स्टूडियोज को हम कभी नहीं भुला पाएंगे।